दमोह जिला मुख्यालय पर आयुष अस्पताल में बने कोविड 19 के टीकाकरण केंद्र में लगातार ही लोगों के द्वारा, जिनमें सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या है, उनके द्वारा कोरोना का टीका लगवाया जा रहा है और बड़ी संख्या में यहां पर युवा पहुंच रहे हैं कोरोना का टीका लगवाने के लिए। क्या कुछ भीड़ भाड़ का नजारा यहाँ पर नजर आया, आइए आपको दिखाते हैं। और घर में सब ठीक है भाई? चलो आओ भैया। प्रणाम भाई साहब। कोविन से रजिस्टर किया था मैंने, एक हफ्ते पहले रजिस्टर किया था, कल मुझे पता चला 600 स्लॉट आए हैं तो मैंने दोबारा आज ले लिया। अगर व्यक्ति को बुखार आ रहा है तो वो एक हिसाब से उसकी एंटीबॉडी जनरेशन का एक पार्ट है, जो कि हर एक व्यक्ति की प्रोसेस से गुजरना है। अब वो डिपेंड करता है कि हर एक व्यक्ति को बुखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अफवाहें हैं ये, बुखार आ रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी अच्छी बात है, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। ये परेशान हो रहा है शेड्यूल के लिए। देखिए, जो एक मैसेज आता है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गए, ये आपका मैसेज नहीं है, ये आपका शेड्यूल नहीं है। आपके शेड्यूल के लिए एक मैसेज आएगा जिसमें आपको सवेरे 9:30 से 10 के बीच में शेड्यूल बुक करना है। जब आप शेड्यूल बुक करेंगे उसमें आपका डेट, टाइम और स्पॉट तीनों चीज़ें आएंगी। आप उस दिन आए और परेशान बीच में ना हो, जिससे ऐसी भीड़ है, कोरोना चल रहा है, हम भी नहीं चाहते हैं कि भीड़ ज़्यादा हो, ठीक है? क्योंकि आज समय ऐसा है कि पब्लिक मानती है नहीं है, हम कितना भी बोल रहे हैं, हमारे गार्ड हैं, हमारे सपोर्ट स्टाफ है। पर्सनली मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि भाई आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, पर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। पब्लिक अलग लड़ती है, अलग है, कुछ मना करो तो लड़ते हैं। समझना चाहता हूँ कि पब्लिक भी थोड़ा सा समझदारी दिखाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने शेड्यूल के दिन जब उनका शेड्यूल पड़े उसमें शेड्यूल में आपका डेट, आपका टाइम मीन्स 9 से 11, 11 से 1 ऐसे 2 घंटे के हम शेड्यूल दे रहे हैं, आप उस शेड्यूल पे आएँ और आराम से वैक्सीनेशन कराएँ। वैक्सीनेशन चाहते हैं सभी को लगे, इसीलिए अपन ने कल भी, आज भी 800 लोगों का है और कल भी ये 800 लोगों पर रहेगा और प्लस 45 साल से ऊपर वालों के लिए भी सेशन चल रहेगा।